नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। हिंदू शास्त्र धर्म शास्त्रों में हर तिथि का अपना एक विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा तिथि है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस दिन किए गए कुछ ज्योतिष उपाय व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ उपायों के बारे में जो व्यक्ति के ऊपर कभी आर्थिक संकट नहीं आने देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए चैत्र माह की पूर्णिमा का दिन बेहद खास होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और गंगाजल अर्पित कर दें। इससे व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सुबह नदी किनारे जरूरतमंदों को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देने से दरिद्रता दूर होती है। इसके अलावा घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन रात को सफेद मिठाई या खीर माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से लाभ होता है। इसके साथ ही इस दिन कनक धारा स्रोत का पाठ करें। इस उपाय को करने से घर के धन भंडार कभी खाली नहीं होते और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करते समय चंद्रदेव को कच्चे दूध में चावल मिलाकर अर्पित करने से भी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, साथ ही धन की देवी का भी आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही इस दिन ओम स्त्राम श्रीम स्रोम सा चंद्रमसे नमः या ओम एम क्लीम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना लाभदायी रहता है। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अलावा हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व बताया जाता है। कहते हैं कि इस दिन विधि पूर्वक हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।